23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके, उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें। देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया। गैर लोकतांत्रिक तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। आज इस बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ, जब अन्नदाता सड़क पर उतरेगा तो हिंदुस्तान का पेट कैसे भरेगा? और यह सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर किसान आंदोलन की यादें ताजा हो गई हैं। एक बार फिर किसान दिल्ली कूच की जिद पर अड़ गए हैं और किसानों को रोकने के लिए दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की बड़ी तैयारी है। लेकिन किसान अभी पीछे हटने के मूड में नहीं। इस किसान क्रांति से सवाल उठ रहा है कि आगे शांति होगी या फिर अशांति, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर अन्नदाता गुस्से में है और दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर तमाम अपडेट और हर बॉर्डर से किसानों के दिल्ली कूच की तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर हम आपको लिए चलेंगे, असीम बस्सी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ वरुण भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और भी आप तमाम हमारे सहयोगियों को देख रहे हैं, लेकिन अभी की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता दें। शंभू, हाँ, रिपोर्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ तकनीकी खामी की वजह से जानकारी पूरी नहीं आपको दे पाया था, दोबारा से बता दूं। गाजीपुर बॉर्डर से अहमद बिलाल हमारे साथ हैं, चिल्ला बॉर्डर से रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं और डीएनडी फ्लाईओवर से अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम सहयोगियों का मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दिल्ली कूच की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। अभी की बड़ी खबर, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ है, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, किसानों ने भी पुलिस पर पथराव किया है, किसानों को रोकने के लिए भारी फोर्स वहां पर तैनात। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं। तो सड़क पर उतरा किसान और किस तरीके से यह आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में किसान वहां पर मौजूद, उन्हें रोकने के लिए प्रशासन की भी मौजूदगी है, पुलिस भी वहां पर मौजूद। आइए सीधे मैं असीम बस्सी के पास ही आपको लिए चलता हूं। असीम, आप जहां पर मौजूद हैं अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं, क्या कुछ आप और देख पा रहे हैं? जी हाँ, मैं अभी भी शंभू बॉर्डर पे मौजूद हूँ जो पंजाब हरियाणा को डाइसेक्ट करता है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं किसान ही किसान हैं। जो चाहते हैं वो दिल्ली कूच, उन्होंने अनाउंस किया था अपनी मांगों को लेकर, वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन उनको यहाँ पे हरियाणा पुलिस ने रोका, रैपिड एक्शन फोर्स ने रोका। और बड़ी बात यह है कि आज सुबह से ही जो हरियाणा की पुलिस है, हरियाणा की सरकार ने जो पैरामिलिट्री लगाई है, वो सुबह से ही यहाँ पर जो एंटी जो टीयर गैस शेलिंग है वो कर रही है। भारी टीयर गैस शेलिंग पिछले 5-6 घंटे से ही हो रही है, जब से किसान यहाँ आए हैं। अभी भी पीछे मेरी आवाज़ें सुन सकते हैं, अभी किस तरह, ये सुन लीजिए आप, किस तरह टीयर गैस शेलिंग लगातार हो रही है, मल्टी बैरिकेडिंग लेयर है, किसी तरह भी किसानों को रोकने के लिए। किसानों की रात को जो मीटिंग हुई थी यूनियन मिनिस्टर के साथ, वो फेल हुई, लेकिन आज बहुत एग्रेसिव पोस्चर है हरियाणा पुलिस का कि इनको रोकना है, किसी हालत में रोकना है। लेकिन किसान जो हैं वो यहाँ डटे हुए हैं, वो हर कीमत पे आगे जाना चाहते हैं, उनको लगता है उनकी मांगे जायज़ हैं। पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, उनकी मांगे मानी नहीं गई, आज दोबारा आए हैं। हमारे साथ कुछ किसान लीडर हैं, बात करेंगे। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम जर्मनजीत सिंह है। जी जर्मनजीत जी, आप सुबह से आंदोलन करना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन आपको यहाँ रोका गया है। देखिए पीछे चल रहे हैं जो ये टीयर गैस शेल की आवाज़ आप सुन रहे हैं। हाँ जी, किन क्या आप जाना चाहते थे, क्या माहौल बना, यहाँ क्यों रोका गया आपको? कोई भी ये देश का नागरिक है, कोई भी उसका डेमोक्रेटिक अधिकार है, वो अपनी गल कह सकता वा, अपनी गल रख सकता वा। पर हरियाणे की खट्टर सरकार जिहड़ी आ, जो किसानों मजदूरों के मंगा के मसले ने जिन्हें लैके दिल्ली के प्रोटेस्ट करना सीगा, जंतर मंत्र की थां मंगी गई सीगी, तो हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के वास्ते बैरीकेडिंग लाई आ, वख वख लेयर की 7 लेयर की आप दस दिए बैरीकेडिंग आ, ते किसानों ने 5 लेयर की बैरीकेडिंग तोड़ती आ। ते असीम, साडा जो फैसला भी दिल्ली कूच है, तो दिल्ली कूच आ, मंगा साडियां एमएसपी ते खरीदी गारंटी दा कानून मोदी सरकार ने पहला वादा किया, पछाण गई आ। ठीक है, आगे इस पर हम बात करेंगे। असीम, उन लोगों से आप बात करिएगा, वो क्या कहना चाहते हैं हम समझेंगे इस चीज को बहुत विस्तार से। दरअसल दिल्ली में कहां कहां पर संघर्ष जैसे हालात बन सकते हैं वो हम आपको बता दें, वो कौन कौन से बॉर्डर के इलाके हैं जरा नजर डालिए जहां पर स्थितियां संघर्ष वाली हो सकती हैं।
ये देखिए आप, आपके सामने ये टिकरी बॉर्डर है, इसे सील कर दिया गया है फिलहाल। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो सीमा है, यहां पर शंभू बॉर्डर है जिसे सील कर दिया गया है, सिंघू बॉर्डर को भी सील किया गया है, और गाजीपुर बॉर्डर जो आप देख रहे हैं यहां से जो एंट्री पॉइंट है दिल्ली की तरफ जो रास्ता आता है उसे भी फिलहाल सील कर दिया गया है। यहां पर जबरदस्त नाकेबंदी है, बड़ी संख्या में बैरिकेटिंग पुलिस की मौजूदगी है, वहां पर बैरिकेटिंग वगैरह भी की गई है। शंभू बॉर्डर की मैं बात करूं, पंजाब और हरियाणा के बीच ये मौजूद है। आप देखिए ये जो एंट्री पॉइंट है, यहां पर आप जो देख रहे हैं, यहां से किसान अंदर आना चाहते हैं दिल्ली की सीमा में, यहां से वो दाखिल होना चाहते हैं। शंभू बॉर्डर फतेहगढ़ साहिब से लगभग 41 किलोमीटर की इसकी दूरी है और इसी रास्ते से दिल्ली आना चाहते हैं किसान। यहां पर भी सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। और उसके बाद ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंघू बॉर्डर दिल्ली से करीब 26 किलोमीटर दूर, यहां से भी किसान दाखिल हो सकते हैं। हरियाणा के पानीपत से इसकी दूरी लगभग 63 किलोमीटर है, पंजाब और हरियाणा से इसकी सीमा लगती है और यहीं से बड़ी संख्या में किसानों के आने की तैयारी है और ऐसे में इसे भी एहतियातन सील कर दिया गया है, यहां से किसान एंट्री कर सकते हैं ये बात बताई जा रही है। इसके अलावा जो मैं आपको दिखा रहा था ये देखिए टिकरी बॉर्डर हरियाणा के बहादुरगढ़ में मौजूद है, ये बॉर्डर का जो हिस्सा है दिल्ली से करीब 16 किलोमीटर की दूरी है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जगह, यहां पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से बॉर्डर की दूरी करीब 34 किलोमीटर है, टिकरी बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं। और गाजीपुर बॉर्डर एक और एंट्री पॉइंट, यहां से किसान दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, यूपी के गाजियाबाद में ये मौजूद है। यहां से देखिए ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां पर गाजीपुर बॉर्डर, इसे भी फिलहाल सील कर दिया गया है। यूपी के किसानों की दिल्ली में यहां से एंट्री संभव है, यहां से भी किसान बड़ी संख्या में आने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से बॉर्डर की दूरी करीब 34 किलोमीटर दूर है। तो ये तमाम वो पॉइंट है जो हमने आपको बताया विस्तार से कि इन जगहों से किसान आ सकते हैं, और चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है तो संघर्षपूर्ण हालात भी बन सकते हैं, इस तरह की आशंका जाहिर की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा आरोप इस बीच सामने आ गया है, उन्होंने कहा कि पूंजीवादी कंपनियों ने राजनीतिक पार्टी बनाई, किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे और दिल्ली हमसे ज्यादा दूर नहीं, यह कहते नजर आ रहे राकेश टिकैत। विपक्ष कमजोर, इसीलिए आंदोलन की जरूरत। सुनिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने उस देश पे कब्जा कर लिया, तो ये दिक्कतें आएंगी दिल्ली के लिए। कोई एक दिन पहले चल दिया, कोई दो दिन बाद में आ जाएगा। अगर उनके साथ में कोई अनजस्टिस होगी, उनको सरकार ने दिक्कत पैदा करी, तो वे किसान ना हमारे से दूरी पे है ना हमारे से दिल्ली दूरी पे है। पॉलिटिकल पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। एक बार फिर से मैं आपको ले चलता हूं, असीम बस्सी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं। असीम, वहां पर बहुत सारे किसान आपसे बातचीत कर रहे थे, कुछ कह रहे थे, जरा उनसे भी बात करिए और अभी जो स्थिति है वहां पर, मौजूदा हालात जो है दिखाइए। पहले मैं आपको स्थिति बता देता हूं, फिर लोगों से बात करते हैं। ये देखिए, मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पे खड़ा हूं और आप देख सकते हैं किस तरह लगातार जो है टीयर गैस के शेल जो है हरियाणा पुलिस जो है किसानों पर मार रही है। हरियाणा जो पंजाब के किसान हैं वो हरियाणा में जाना चाहते हैं ताकि आगे दिल्ली बढ़ सके, लेकिन सुबह से ही टीयर गैस शेल की फायरिंग जो है हरियाणा पुलिस कर रही है ताकि पंजाब के किसानों को रोका जा सके। लेकिन पंजाब के किसानों का जज्बा है, पिछली बार भी ये गए थे, ये कहते हैं इस बार भी हम जाएंगे, लेकिन ये टीयर गैस की शेलिंग इतनी ज़्यादा अग्रेसिव है। मैं आपको बता दूँ पिछले 4-5 घंटे से हम यहाँ पर हैं और किसानों पर लगातार हरियाणा पुलिस जो है टीयर गैस शेल की फायरिंग हो रही है। काफी लोग इनमें से इंजर्ड भी हो रहे हैं, काफी लोग, इनका आरोप है गोली भी चलाई गई है और यही कारण है कि किसानों को और ज्यादा गुस्सा है। हाँ जी, आप बताएं कि सुबह से यहां पर क्या हालात हैं और जो टीयर गैस शेल सुबह से मारे जा रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या असर? जो टीयर गैस छड़े जा रहे हैं, साढ़े किसान इंजर्ड भी हुए हैं, मेजर इंजरियां हुई हैं। सरकार जी जुल्म कर रही है, तो सरकार जी लोगों के उत्ते जुल्म ढा रही आ। ये असी इस देश के बछिंदे हाँ, ये देश साडा वा, सानू ये देश से माण आ, पर अज अन्नदाता जो अपनिया हकी मंगा ने जी उन्होंने मनवाउन दे। किसान जो कह रहे हैं असीम, उससे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इनकी मांगों पर सरकार क्या विचार कर रही है, गतिरोध की स्थिति क्यों बनी हुई है, क्यों नहीं बातचीत से कोई समाधान निकल पा रहा है। किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, किसानों को कांग्रेस का एमएसपी का वादा, सरकार बनने पर राहुल गांधी की गारंटी। स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी देंगे, 15 करोड़ किसान परिवार को हक देंगे, यह कहना राहुल गांधी का।
सरकार बनने पर राहुल गांधी की गारंटी। और आइए मैं आपको सीधे सिंघू बॉर्डर लिए चलता हूं। वरुण जैन हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। वरुण, सिंघू बॉर्डर पर अभी क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल अखिलेश, बेहद संवेदनशील है सिंघू बॉर्डर, क्योंकि अगर शंभू बॉर्डर को पार करते हैं किसान तो सबसे पहले यहीं पर पहुंचेंगे और इस बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है आने और जाने का रास्ता। और अगर अभी मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखाऊं तो किस तरीके से बड़े बड़े स्लैब्स आप देखिए, यहाँ पे कंक्रीट के स्लैब्स लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 20 कंपनी जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। बैरिकेड्स भी 1, 2, 3 नहीं, करीब 15 से 20 जो लेयर के जो बैरिकेड्स है वो कॉन्क्रीट की मोटी मोटी तारे लगाकर पूरी तरीके से रास्ते को बंद कर दिया है। इधर आप देखिए किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो आरएएफ है, रैपिड एक्शन फोर्स, दंगाइयों से निपटने के लिए जिनको महारत हासिल होती है, उनकी यहाँ पर लगातार जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ती जा रही है। जो सूत्र में जानकारी दे रहे हैं 20 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा यहाँ पर दिल्ली पुलिस के 616 जवानों की तैनाती है, साथ ही 10 DCP और 20 ACP और इंस्पेक्टर्स को इस सिंघू बॉर्डर की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि ये जो ड्यूटी है लगातार बदलती रहेगी। ये देखिए दूसरी तरफ किस तरीके से बड़े बड़े कंटेनर्स जो हैं वो सिंघू बॉर्डर पर लगा दिए गए हैं और आपको हर जगह कुछ इस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो चारों तरफ नजर आएंगे। बिल्कुल छावनी में पूरा का पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है। और देखिए अभी भी तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है, जो बैरिकेड्स और जो ऑब्स्ट्रक्शंस है वो लगातार यहां पर बढ़ाया जा रहा है। ये कंक्रीट की तारे जो है लगातार बैरिकेड्स की संख्या को बढ़ाकर यहां पर इनको लगाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, अगर मैं कैमरे से इस तरफ से दिखाने की कोशिश करूँ तो करीब 200 से 300 मीटर का जो दायरा है अखिलेश, वो पूरी तरीके से बड़े बड़े स्लैब्स, बड़े बड़े बैरिकेड्स, कंक्रीट की तारे और जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनसे ये पूरा का पूरा करीब 300 से 400 मीटर का इलाका भरा हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है पूरी तरीके से किले में तब्दील कर दिया गया हो पूरे इलाके को। और किसानों को रोकने की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। दिल्ली कूच को लेकर सुरक्षा बहुत कड़ी है। लाल किले के आसपास फोर्स की तैनाती कर दी गई है और ITO पर भी बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। ITO चौक पर क्रेन, बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं। तो किसान दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं बड़ी संख्या में और इसी के मद्देनजर आप देख रहे हैं लाल किले के आसपास भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए गए हैं। बड़ी खबर अबू धाबी से, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। UAE के दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद के साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। एहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं वो। तो आपको हम बता दें, दरअसल आज का जो ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। एहलान मोदी यानी हेलो मोदी कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और उससे पहले किस तरीके से UAE पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। 14 फरवरी को UAE की राजधानी में एक हिंदू मंदिर के समापन समारोह में भी उन्हें हिस्सा लेना है। बड़ी खबर, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की किसानों से अपील। आपको बता दें माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने की अपील की गई है। कई लोग माहौल खराब करने की कोशिश में हैं, यह कहना सरकार का, मंत्री का, कई लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार किसानों के हित को लेकर गंभीर है। अर्जुन मुंडा ने किसानों से अपील की है, आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा मंदिर जी ने, सुनिए। समाधान तो बातचीत के जरिए हो सकता है। मैं पूरे पदाधिकारियों के साथ मिल करके, हमारे मंत्री भी साथ में थे, और चंडीगढ़ में 2 राउंड की बातचीत हुई। कई ऐसे जो विषय लाए गए थे उस पर मैंने स्पष्टीकरण के साथ साथ उसका समाधान किया और सहमति बनी, और वो भी मानते हैं कि उन सारे विषयों पर सहमति बन गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो कुछ विषय इस तरह के हैं जो विधायी कार्य से संबंधित है, जो किसानों के तरफ से
तुरंत की बात कही गई। मैंने उनको कहा कि देखिए जो भी विधायी कार्य होता है उसके लिए एक प्रॉपर एक व्यवस्था बनती है जी, एक उसके सभी पक्षों पर सबके साथ बैठ करके ध्यान में रखा जाता है कि उसमें क्या क्या एंगल्स हैं, क्या क्या विषय हैं। अर्जुन मुंडा जो कि कृषि मंत्री हैं, एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की और अंकित गुप्ता खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। अंकित, गतिरोध की स्थिति क्यों बनी हुई है? आपकी बात भी हुई अर्जुन मुंडा से, क्या बातें सामने निकलकर आ रही हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने साफ कर दिया है कि 90% मांगों पर सहमति बन गई है, 10% पर किसान अड़े हुए, जबकि उनको भरोसा दिया जा रहा है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज जो बात की और कल फैसला हो जाएगा या कुछ मिनटों में फैसला हो जाएगा, और इसी वजह से ये गतिरोध बना हुआ है। और केंद्रीय मंत्री ने एक बात साफ तौर पर कही कि ऐसा नहीं है कि किसानों के साथ कोई मतभेद है, बल्कि कुछ किसान संगठन है, कुछ किसान नेता है, वो जो अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं जबरन, जबकि ऐसा नहीं है। एक आपको तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए अखिलेश, हमारे जो तमाम सहयोगी अलग अलग बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, लेकिन मैं आईटीओ पर क्यों मौजूद हूं? आईटीओ पर इस वजह से मौजूद हूं क्योंकि यहां पर 26 जनवरी 2021 को जैसे हालात बने थे वैसे एक बार फिर से ना बने, उसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां पर डंपर्स खड़े कर दिए गए, बैरिकेड्स खड़े कर दिए गए और बाकायदा बड़ी बड़ी क्रेन्स को खड़ा कर दिया गया है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि किसी भी सूरत में यहां पर हालात खराब ना हो। तो एक तरफ सरकार की कोशिश यह है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे, बातचीत हो और इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ना आए, तो दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन है, उसने तैयारियां शुरू कर दी हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर एरिया हो या फिर दिल्ली का जो सेंट्रल एरिया जो आईटीओ हो या लुटियन दिल्ली का एरिया हो, वहां पर भी तैयारियां पूरी हैं जी। अंकित, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, अपने बाकी सहयोगियों का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा देते हैं। ये जो गतिरोध की स्थिति बनी हुई है इसके पीछे वजह क्या है? किसानों की जो मांग है उसे आप जरा समझिए। C2+50% का फॉर्मूला आखिर क्या है वो आप समझिए। स्वामीनाथन कमेटी की 2006 की जो रिपोर्ट है, फसल की कुल लागत और उस पर 50% का लाभ मिले, मुनाफा मिले, ये कहा गया है इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर C2+50% 50% फॉर्मूला जो लिखा गया है, और C2 क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, जो C आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ, इसमें क्या चीज है? इसके ऊपर जो चीजें ऐड होनी है, जुड़नी है, फैमिली लेबर प्लस जमीन का किराया, खेती में लगाई पूंजी प्लस पूंजी पर ब्याज, यानी उस पर जो इंटरेस्ट है उसे भी देने की बात इसमें कही गई है। यह कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट की बात हो रही है, और इसी फॉर्मूले के आधार पर MSP की गारंटी के कानून की मांग की जा रही है, यानी इसे जोड़ कर दिया जाए किसानों को। और इसके जोड़ने से क्या होता है उसे भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि किसानों को इससे क्या फायदा हो सकता है। आप समझिए अभी की क्या व्यवस्था है, पहले आप वो देख लीजिए। मौजूदा व्यवस्था में MSP का जो आधार है, यानी जो कैलकुलेशन का तरीका है, A2+ फैमिली लेबर FL जो लिखा हुआ है, फैमिली लेबर, फसल की लागत प्लस किसान का मेहनत आना, A2, ये क्या है इसे भी मैं आपको समझा देता हूं। A2 में क्या होता है? किसान का पूरा खर्च, यानी बीज, खाद, मजदूर, मशीनरी, लीज पर ली गई जमीन का खर्च, ये हुआ पूरा A2। और यहां समझिए A2+ फैमिली लेबर की बात कही जा रही है, यानी फसल की लागत प्लस किसान का मेहनताना। यह मौजूदा व्यवस्था है MSP, जिस आधार पर कैलकुलेट करने की व्यवस्था है। अब MSP क्या है इसे आप समझिए। गेहूं की MSP से आप अंतर समझिएगा, आपके लिए हम एक उदाहरण सामने रख रहे हैं ताकि आप इस कैलकुलेशन को समझ सकें। 2125 रुपए प्रति क्विंटल, ये अगर आप देखिए जो मौजूदा हालात हैं, यानी A2+ FL पर MSP जो है, तो मार्केट में तब कीमत होती है इसकी 3200 रुपए प्रति क्विंटल, यानी 3200 रुपए में आप हम ये खरीद कर लाते हैं गेहूं। जबकि C2 वाला फॉर्मूला अगर लागू हो गया तो किसानों को देखिए क्या मिलेगा, 3150 रुपए, यानी आप देख रहे हैं कहां, तो ये 2125 रुपए प्रति क्विंटल, और ये उसके बाद किसानों को मिलेगा 3150 रुपए प्रति क्विंटल, यानी लगभग 1000 रुपए का सीधे मुनाफा। तो ये किसानों की मांग है। रविकांत, अभी क्या स्थिति आपके आसपास नजर आ रही है, क्या हालात हैं अभी? देखिए, ये दिल्ली का चूंकि भीतरी बॉर्डर है तो यहां पर सबसे ज्यादा कम उम्मीद रहती है, आशंका रहती है किसानों की, तो यहां पर ट्रैफिक सुबह से ही धीमा है। आप जाम देख रहे हैं, ये सुबह से ऐसे ही जाम लगा हुआ है क्योंकि ये
जो चौड़ी सड़क है उसमें दोनों ओर बैरिकेटिंग कर दी गई है, तो एक एक करके ही गाड़ियां आ पा रही हैं, जिसकी वजह से ये जाम सुबह से ही लगा हुआ है। इस समय चूंकि रेड लाइट है इसलिए एकदम स्टैंड स्टिल है, वरना ये धीरे धीरे चलती हुई गाड़ियां रहती हैं, लेकिन जाम की स्थिति सुबह से ही बनी हुई है। यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाया हुआ है और पुलिस जो है यहाँ पर सुबह से मौजूद है, काफी परेशान है पुलिस भी, क्योंकि जिस तरीके से उसे लगातार पुलिस वालों को मेहनत करनी पड़ रही है यहाँ पर, सुबह से ही ये स्थितियां बनी हुई हैं। चलिए अब किसानों का क्या कहना है ये जानते हैं, शंभू बॉर्डर में चलता हूँ, सचिन हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। सचिन जरा किसानों से बात करिए और वो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या सरकार उनकी कौन सी बात मान ले ताकि वो हट सके, हटे यहाँ से। जी मैं फिलहाल शंभू बॉर्डर पे हूँ, जहाँ सुबह से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसान जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की तरफ जाने की। मैं जगजीत सिंह दल्लेवाल हमारे साथ हैं, आपको बता दूं जो दो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं इस आंदोलन के, जगजीत सिंह दल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर, और बीकेयू एकता सिद्धूपुर के अध्यक्ष हैं जो पंजाब की कुछ एक बड़े संगठनों में आता है। दल्लेवाल साहब से बात कर लेते हैं। दल्लेवाल साहब, पहले तो आज बड़ा कुछ हुआ है यहाँ, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कितना ज़्यादा आपको प्रतिरोध देखने को मिलेगा हरियाणा की तरफ से? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन की इन्होंने ये बैरिकेडिंग की थी उसी दिन से हमें ये इस बात का आभास हो गया था कि सरकार ऐसा कर सकती है, ये अक्सर करती है, क्योंकि सरकार को एक अहंकार हो गया है कि अगर हम कुछ भी करें, हमारा राम मंदिर बनने से इतना ग्राफ ऊपर चला गया कि हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन ये नहीं उनको पता था कि खुदा बहुत बड़ी चीज़ होता है, वाहिगुरु बहुत बड़ी चीज़ होता है। उनके हाथ से उनसे ये इतना गलत काम हो रहा है, देश के किसान अन्नदाता, और उसके ऊपर इस तरह का हमला होना रो भी उस समय जब हम जा रहे हैं वहाँ पे, हम क्या लेने जा रहे हैं, उनकी हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स हैं जो उन्हीं के लिए जा रहे हैं कि भाई हमारी ये कमिटमेंट्स हैं इनको पूरा करो। अगर वो हमारे साथ की हुई कमिटमेंट्स को भी पूरा नहीं करेंगे तो फिर हम अलग अलग तरह से डिमांड चार्ट देकर भी हमने प्रयास किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो आज किसान की मजबूरी बनी, इसका अर्थ क्या निकलता? मैं ये इसलिए कहा है कि वो अहंकारी है, उसने ये सोचा कि चुनाव लड़ो, वायदे करो, बाद में लागू ना करो। उनका ये क्लियर हो गया उनके अंदर की बात कि आंदोलन हो रहा है, लोगों से एक बार वायदा कर लो, आंदोलन उठवा दो, फिर मतलब उनकी बात मानने से इनकार कर दो। ये हुआ हमारे साथ 2018 में किसान आंदोलन हुआ, उसमें वायदा किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे विद इन 3 मंथ, लेकिन नहीं की गई। इस आंदोलन में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का। अच्छा सचिन, इस आंदोलन में भी जो हमारे साथ वायदे किए, सचिन जरा उनसे ये सवाल ही पूछिए जो किसान नेता आपको दिख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें सत्ता में आने का मौका मिला तो हम स्वामीनाथन आयोग की जो तमाम सिफारिशें हैं उस रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। के भारत को WTO से बाहर लाएंगे, यहाँ तक कहा, लेकिन उसको लाने की बजाय अब उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। जितने इनके नेता साहबान आ रहे हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए WTO के, जब हम बात करते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है, देश को बहुत तो इससे प्रॉफिट हो रहा है। दल्लेवाल साहब, अल्टीमेटली ये जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस हैं लागू तो सरकारें करेंगी, है ना, इस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं किए हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हम सरकार बनाते हैं, हमारी सरकार सत्ता में आती है, तो हम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है उसको लागू करेंगे। देखिए इन्होंने भी कहा था एक की गलती का दूसरा फायदा उठाने का काम करता है। 2004 में डॉक्टर स्वामीनाथन का कमीशन बना और 2006 में उसकी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद सत्ता में कौन रहा? कांग्रेस रही, नहीं लागू किया। 2014 तक उस रिपोर्ट को कहीं किसी ने लागू नहीं किया और इन्होंने उसी का फायदा उठाते हुए ये कहा कि हम लागू करेंगे, लेकिन बाद में ठीक है 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह दिया कि हम तो लागू नहीं कर सकते। ठीक है सचिन, आगे इस पर और बात होगी। दिल्ली UP बॉर्डर की बात की जाए तो छावनी में तब्दील है इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर। किसानों को रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के साथ कटीले तार भी लगा दिए गए हैं। गाजीपुर के आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहां पर फिलहाल धारा 144 लागू है और वहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी बिलाल, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। बिलाल, वहां पर अभी क्या हालात हैं?
बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश, देखिए इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां के हालात में अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले तस्वीर देखें यहां पर कि इस वक्त मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है वो उसके ऊपर मौजूद हूं और यहां पर ट्रैफिक मूवमेंट कुछ थोड़ी राहत जो है वो सुबह के मुकाबले कंपैरिजन में जरूर दी गई है, लेकिन जो सर्विस रोड है वो पूरी तरीके से सील कर दी गई है। कंक्रीट स्लैब में जो सैंड बैग है सीमेंट लगा करके उसको जो है वो पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। फिर लेकिन जो मेरठ एक्सप्रेसवे है वहां पर जो है वो पूरी तरीके से ट्रैफिक ठप ना हो पाए, इसलिए एक लेन जो बैरिकेडिंग है दिल्ली पुलिस की जो कि सुबह तक ये पूरा बंद था उसको एक लेन को फिलहाल के लिए जो है वो खोला गया ताकि एक वक्त में एक गाड़ी जो है वो पास हो सके, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जाम जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन मूविंग ट्रैफिक है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की जो तैनाती है वो यहां पर की गई है, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दोनों राज्यों की जो पुलिस है वो यहां पर तैनात है, क्योंकि ऑफिस आवर्स जो है वो भी खत्म होने वाले हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि अब जो है वो भीड़ भी जो है वो बढ़ सकती है। और टीकरी बॉर्डर पर क्या हालात है जरा ये भी जानते हैं। टीकरी बॉर्डर से रिया हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारी सहयोगी रिया। जी अखिलेश, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जो टकराव हुआ किसानों के और सुरक्षा बलों के बीच उसका सीधा असर टीकरी बॉर्डर पर आपको दिखेगा। ये दिल्ली का टीकरी बॉर्डर बहादुरगढ़ के पास ये मौजूद है और यहाँ आप देखिए सुबह जहाँ एक लेन में ट्रैफिक अलाउड था वहाँ अभी इस बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सील करने का जो काम है वो अभी भी जारी है। आप यहाँ देख पाएंगे कॉन्क्रीट के जो बोल्डर्स है उनसे दीवार अभी भी बनाई जा रही है और उन कंक्रीट के बोल्डर्स के ऊपर नुकीले तार भी लगाए जा रहे हैं। उसके पीछे यदि आप कैमरे के माध्यम से देख पाए तो ट्रक्स भी कतारबद्ध दूर तक ट्रक्स आपको नजर आएंगे। ये ट्रक्स इसलिए खड़े किए गए हैं कि यदि किसी तरीके से इन बोल्डर्स को किसान पार कर लेते हैं तो इन ट्रक्स को बैरिकेडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये मल्टी लेन बैरिकेडिंग और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है ऊपर ये भी देख पाएंगे, यहाँ पर स्पीकर और कैमरा जो है वो फिट कर दिए गए हैं। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी के लिहाज से और यहाँ पर जितने भी फिजिकल हर्डल्स इंपोज किए जा सकते थे वो सभी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो ये बिल्कुल और कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है हमारे तमाम सहयोगी जो आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन और ज्यादा तेज हो रहा है, ये संघर्ष कहीं और ज्यादा आगे बढ़ ना जाए, इसलिए सरकार को भी तुरंत पहल करनी होगी, लोगों से बातचीत करनी होगी, क्या रास्ता निकलता है, क्या समाधान निकलता है, हमारी भी इस पर नजर बनी रहेगी।